हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइज, आज की वीडियो में हम आपको कुछ अलग चीज बताने वाले हैं जिसकी जरूरत आप सभी को पड़ने वाली है। तो आज हम जॉयस्टिक के और सेंसिटिविटी के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी जरूरत अब पता है सभी को पड़ती है। तो देखो, जिसकी सेंसी अच्छी नहीं रहती है, जॉयस्टिक अच्छी नहीं रहती, तो उनकी मूवमेंट बहुत स्लो होती है और वो फास्ट मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, फास्ट बंदों को नहीं मार पाते हैं। तो देखो, जैसे कि अभी आप मूवमेंट करते हो तो आपका मूवमेंट रुक जाता है, बीच में अटक अटक के चलता है। जैसे अभी ये देखो हो रहा है, अभी मैं जा रहा हूँ आगे, लेकिन अगर जब राइट लेफ्ट टर्न कर रहा हूँ तो मूवमेंट ऑटोमेटिक अपने से रुक जा रही है, वहाँ पर स्लो हो जा रही है। तो इसको फास्ट करने के लिए आपको कुछ अलग से ट्रिगर आजमाना पड़ता है, और सेंसी सब कुछ मायने रखता है सेंसी पे, तो सेंसी सबसे अच्छी करनी पड़ती है। तो चलो फटाफट पहले जॉयस्टिक के बारे में बात करते हैं। आप कंट्रोल मेरा देख सकते हो। अब देखो, ये सेंसी आप छोटा रख रहे हो, आप बड़ा रख रहे हो, जॉयस्टिक बड़ा रख रहे हो, छोटा रख रहे हो, इससे फर्क भाई नहीं पड़ने वाला है। तो आपको कुछ अलग चीज बनाना पड़ेगा। ये चीज तो सभी लोग रखते हैं, लेकिन आपको ना कुछ अलग चीज आजमाना पड़ेगा। तो चलो फटाफट इसको सही बनाते हैं। अब इसको छोटा रख रहे हो, आप बड़ा रख रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपकी जॉयस्टिक की साइज क्या है, आपका जो स्प्रिंट है उसकी साइज क्या है, और वो कितना उससे अलग है, तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। देखो, अभी इसको ये जो जॉयस्टिक का है ना, इसके ऊपर जो स्प्रिंट है, इसको देखो ऊपर साइड है, मैं इसको बिल्कुल नीचे के साइड करने वाला हूँ। तो चलो फटाफट पहले इसको कर लेते हैं। और आपको पता है, इस बारे में वीडियो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी मिल जाएगी, लेकिन कोई परफेक्ट नहीं बताएगा, हर कोई बताता नहीं आपको परफेक्ट कैसे करना ये चीज। तो आपको इस वीडियो में हर एक जानकारी मिलने वाली है, फिर भी आपको समझ में नहीं आता है, तो भाई आप कमेंट करके हमको बता सकते हो, हम आपको स्पेशली कोशिश करेंगे बताने की। देखो, वीडियो तो हर जगह मिलेगी आपके यूट्यूब पे, लेकिन ये चीज आपको अच्छे से कोई नहीं बताएगा, ये मैं लिख के देता हूँ आपको। तो फटाफट पहले इसको देखो मैं कैसे नीचे करता हूँ। और स्प्रिंट जब नीचे हो जाती है ना, तो आप अगर थोड़ा सा जॉयस्टिक बाहर की तरफ ले जाते हो ना, तो ऑटोमेटिक आपकी मूवमेंट फास्ट हो जाती है। तो चलो फटाफट इसको पहले देखते हैं। और आप चैनल पे पहली बार आए हो और अभी तक आप सब्सक्राइब बटन को नहीं दबाए, तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो, ताकि आने वाली वीडियो सभी आपको सबसे पहले मिल जाए। ये जो जॉयस्टिक होती है, इसको आप छोटा या बड़ा रख लो, इससे मतलब नहीं होता है। आप अपने जिस हिसाब से फिंगर आपकी मूवमेंट करती है, उस हिसाब से आपको रखना पड़ता है इसको। तो आप इसको कुछ जरूरी नहीं कि आप छोटा ही रखो, और स्प्रिंट को जरूरी नहीं कि आप नीचे ही करो, आप बिल्कुल जैसे खेलते हैं वैसे ही खेलें, बस आपको अपने फिंगर के हिसाब से इसको सेट करना पड़ता है। और वो सब करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, बस जॉयस्टिक की जो साइज होती है ना, आप अपने फिंगर के हिसाब से एक बार अगर सेट कर लिए हैं, तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखो, मेरी जॉयस्टिक बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है, इसको नीचे की तरफ ला देंगे और फायर बटन को ऊपर की तरफ कर देंगे। और उसके बाद जो है ना मेन पॉइंट, वो आगे आपको बताएंगे, पहले इसको सेट कर लेते हैं। और अपने फिंगर के हिसाब से इसको छोटा बड़ा जो भी करना है, अपने फिंगर के हिसाब से ही करना है। अदरवाइज सब लोग बोलते हैं कि आप जॉयस्टिक बिल्कुल छोटा रखो तो आपकी मूवमेंट फास्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर जॉयस्टिक बड़ा रखे हैं और सेंसी आपकी अच्छी है, तो बिल्कुल परफेक्ट काम करने वाली है। ये सब कुछ कंप्लीट हो गया, इसको सेव बटन दबा देते हैं, ताकि ये जॉयस्टिक जो है सेव हो जाए। अब आगे की तरफ देखते हैं कि क्या करना है। ये सब करने के बाद आपको अपने कंट्रोल में जाना है, और जो स्प्रिंट की सेंसिटिविटी होती है उसको देख लेना है। जो आप ये स्प्रिंट की सेंसिटिविटी अगर लो रखेंगे तो काम नहीं करने वाली, इसको बिल्कुल मैक्स रखना है। उसके बाद जो साइड वाला है उसको भी पूरा मैक्स करके सब कुछ सही कर देना है। आप देख सकते हो कैसे मैं किया हूँ, बिल्कुल अच्छे से करना। वीडियो अगर पूरा देखें तभी हो पाएगा, अगर वीडियो बीच में छोड़कर जाएंगे तो नहीं होने वाला है। वो सब करने के बाद आप देख सकते हो, अगर आप जॉयस्टिक थोड़ा भी मूवमेंट आपकी फिंगर करती है, तो जॉयस्टिक अपने आप और बाहर चली जाती है, तो आपका जो करेक्टर होता है ऑटोमेटिक वो मूवमेंट करने लगता है। फिर कोई टेंशन वाली यहाँ पे बात नहीं होती, आप जैसे जैसे मूव करेंगे वैसे वैसे आपका करेक्टर मूवमेंट करने वाला है। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा, तो आपको जो भी करना है सब्सक्राइब बटन दबाना है दबा दो, और लाइक बटन को दबाना है तो प्लीज़ लाइक बटन को भी दबा दो। अब अगली वीडियो सेंसिटिविटी के ऊपर आने वाली है, तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा के बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।